हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। जितनी भी यहाँ पर वनस्थली की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको हाय हेलो मेरा। और बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आई हूँ। वैसे ही वीडियो आ रही थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, इस वजह से नहीं बना रही थी वीडियो। तो कुछ मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं, उनका मुझे आपको जवाब देना है। क्योंकि वैसे रिप्लाई मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज के थ्रू ही कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ। देखिए, कुछ लड़कियां जो नई है ना, उनकी जिनकी क्लासेस चल गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस किसी किसी की एकदम चल गई हैं, ओके, मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उनमें से मेरे पास एक दो मैसेज आए थे कि उनको जो क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम, उसमें जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके फ़ोटो नहीं आ रहे हैं। और मतलब कि दीदी हमारा नहीं आ रहा है, या हमारा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, या हम इस तरीके से नहीं आ रहे हैं जैसे हमारे क्लासमेट शो हो रहे हैं वहाँ पर, सबकी फ़ोटो बना आ रहा है या ये सब जो भी है। तो देखिए, आपको या तो आपने आईडी गलत डाली है, या फिर आपने वो अपना कोड नहीं डाला है। तो अगर आपको किसी से आपका कांटेक्ट हो रहा है वनस्थली में, तो आप अगर कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी आईडी लीजिए, क्योंकि विदाउट आईडी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस आप तभी ज्वाइन कर सकते हो जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाए। अगर फीस सबमिट नहीं होगी तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि किसी भी स्कूल में कह लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में कह लो, जब तक आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाती है, आप उससे पहले कहीं पर भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ओके। और बाकी सवाल है कि वहाँ पर हम कब जाएंगे। जैसे ही सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी आप वनस्थली में, तब जाओगे। क्योंकि देखिए, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी या गवर्नमेंट अलाउ कर देगी कि अब सारे बच्चे अपने हॉस्टल जा सकते हैं, या हॉस्टल वाले बच्चे जो घर पर रह रहे हैं इस वक्त वो हॉस्टल जा सकते हैं, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद आप हॉस्टल में जा सकते हो। कुछ ये सवाल भी आए हैं कि दीदी ये बताइए, जब हम वहाँ पर रह नहीं रहे हैं तो मतलब हम हॉस्टल की फ़ीस क्यों दें। देखिए, अभी आप नहीं रह रहे हो क्योंकि अभी प्रॉब्लम है कोविड-19 की वजह से, सब रुका हुआ है या क्लासेस वहाँ पर नहीं जाया जा रहा है। बट आप जाओगे ना इसीलिए, क्योंकि देखिए एडमिशन की फ़ीस या हॉस्टल फ़ीस आपसे दोबारा तो फिर वहाँ पे कि अब जा रहे हो तो हॉस्टल फ़ीस अब दो, तो ऐसा नहीं होगा ना। और सवाल आ रहे हैं कि क्या जब हम वनस्थली जाते हैं तो एक टोंक को लेकर सवाल आ रहा है कि ये टोंक क्या है। देखिए, जब हम वनस्थली जाएंगे, आप जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर से आप जाएंगी, जयपुर में आप कहीं भी पहुंच जाइए, ठीक है, किसी भी उससे प्लेटफॉर्म से, जैसे आप बस से जा सकते हो, अपनी गाड़ी से जा सकते हो, हेलीकॉप्टर मतलब फ्लाइट से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, अपनी गाड़ी से जा सकते हो, जिस भी तरीके से आप जाएंगे जाएंगे सबसे पहले जयपुर। जयपुर के बाद में है आपको जयपुर में सबसे पहले आपको जाना है सिंधी कैंप। वहाँ पर वो बस स्टैंड है, वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिलती है जो जाती है वनस्थली के लिए। बट वो वनस्थली के लिए बस नहीं जाती है, वो वनस्थली से पहले 2-2.5 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है टोंक, ओके, वहाँ पर वो रुक जाती है। टोंक से आगे पड़ता है वनस्थली 2.5 किलोमीटर आगे। तो टोंक से आपको जीप लेनी होगी या कोई टैक्सी गाड़ी, किराए की गाड़ी करनी होगी, उसके बाद आप वनस्थली पहुंचेंगे। कुछ कह रहे हैं आप टोंक वाली वनस्थली में पड़े हो क्या। देखिए, वनस्थली एक ही है। एक दो सवाल ऐसे आए हैं कि जयपुर में वनस्थली अलग है क्या, और ये जो वनस्थली है ये अलग है। नहीं, इसी वनस्थली का एक कैंपस है जो वनस्थली जयपुर में है, ओके। तो वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो जयपुर के ही बच्चे हैं, जो स्कूल वाले हैं, जो वनस्थली इतनी दूर स्कूलिंग करने नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ पर स्कूल वाले बच्चे हैं जो प्रॉपर जयपुर के हैं, वो लोग उस वनस्थली में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वनस्थली एक ही है, लेकिन उसकी कहते हैं ना ब्रांचेज, तो एक ब्रांच उसकी जयपुर में भी है। जहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मैं वनस्थली की उसी में गई थी, मैंने डायरेक्ट वहीं डाला था जयपुर में सेंटर। तो बहुत लड़कियाँ कंफ्यूज हो गई हैं, जैसे कभी कहीं मैं लिख देती हूँ ना जयपुर वनस्थली और राजस्थान वनस्थली, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, एक ही वनस्थली है।
बस उसकी ब्रांच है वो, कि जयपुर वाले बच्चे अब रोज के रोज स्कूल आएंगे तो वो 72 किलोमीटर आना बहुत दूर हो गया ना, इस वजह से वो वनस्थली एक जयपुर में भी है, वो छोटे बच्चों का है स्कूल मतलब, ठीक है। और बात करते हैं, एक तो सवाल इस तरीके से भी आ रहे हैं कि जो हमारी बुक्स को लेकर फिर से आए हैं, देखिए बुक आपको वहीं से लेनी होंगी जो वो आपको बताएंगे, आप खुद से बुक मत लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे बैग को लेकर के कि आपने बैग कहाँ से लिया था, क्या वनस्थली में ये सारे बैग मिल जाएंगे? आपको वनस्थली में इससे भी अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे, बट मेरा जैसा बैग शायद नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रांडेड बैग नहीं मिलते हैं। मेरा बैग, 6-7 लड़कियाँ हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि किस ब्रांड का है, कहाँ से लिया है, ये वाइल्ड क्राफ्ट का है। ओके, आपको ये किसी भी मॉल में वाइल्ड क्राफ्ट के शॉप पे या शोरूम में आपको मिल जाएगा आराम से। इसकी MRP 2,000 रुपये थी और काफ़ी अच्छा है, इसका जो कपड़ा भी है वो भी बहुत अच्छा है एंड वाटर प्रूफ है ये। तो इन चीज़ों का मुझसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे। एक दो सवाल ऐसे भी थे, क्या ये जो छोटे छोटे पाउच हैं आपके पास, मेरे पास, क्या ये वनस्थली में इस तरीके से मिल जाते हैं? इस तरीके से नहीं पता, लेकिन आपको छोटे बड़े पाउच हर तरीके के वनस्थली में आपको मिल जाएगा। कुछ कह रही हैं खादी वहाँ पर महंगी है क्या? देखिए खादी आप कहीं से भी लोगे, खादी महंगी आती है। आई थिंक 600 रुपये मीटर या 400 रुपये मीटर आती है खादी का कपड़ा। तो खादी में आप कुछ भी खरीदोगे तो वो महंगा ही पड़ेगा और महंगा ही बनेगा, क्योंकि मेरी ड्रेस अगर खादी की जब बनी थी तो 1,000-1,200 रुपये में तो मेरी ड्रेस ही बनी थी, क्योंकि खादी की ड्रेस मतलब खादी का कपड़ा ही महंगा आता है। तो आप कहीं बाहर से मॉल से भी अगर खादी की कुर्ती खरीदोगे और तो वो भी आपको 800, 900, 1,000, 1,200 से इतना की इतने की ही मिलेगी। और एक चीज़ और, एक सवाल इस तरीके से आया है कि जो हम खादी खरीदना चाहते हैं, क्या हम घर से लेकर जा सकते हैं खादी? जी हाँ, आप खादी घर से लेकर जा सकते हो और आप कॉटन की कुर्तियाँ भी लेके जा सकते हो। क्लास में आप खादी पहनेंगे या फिर कॉटन के कपड़े पहनेंगे, मतलब कॉटन की कुर्ती सलवार या कॉटन की कुर्ती और पैंट और या फिर खादी की जो भी कुर्ती सलवार होती है या खादी के कपड़े, ओके, मतलब खादी की पैंट और जो भी है शर्ट मतलब कुर्ती, ओके। ये थे कपड़ों की बात। जो आप सोच रही हैं कि वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, आज कुछ भी कह लीजिए, उसमें आप अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हैं जो एथनिक कपड़े होते हैं। वेस्टर्न कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि आप मिडी पहन लो, वन पीस पहन लो या शॉर्ट, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब आप सिर्फ अपनी बर्थडे पार्टी में हॉस्टल में पहन सकती हैं, या फिर हॉस्टल में ही आप फ्रेशर पार्टी मना रहे हो या फेयरवेल मना रहे हो, तब आप इसको हॉस्टल में ही अपने छोटे कपड़े पहन सकती हैं। दूसरा, प्रोग्राम अगर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में, वहाँ पर आपको कुर्ती सलवार या फिर अपना सूट या फ्रॉक सूट या लहंगा साड़ी जिसमें आप अच्छी लगें और आप एकदम मतलब आपके कपड़े छोटे ना हो, मतलब वेस्टर्न ना हो। स्लीवलेस वहाँ पर आप नहीं पहन सकती हैं, स्लीवलेस बिल्कुल मना है। तो कोई भी लड़की अगर आप स्लीवलेस पहनती हैं, अगर वहाँ पे अलाउड कर दिया हो तो आप पहन सकती हैं, बट मुझे नहीं लगता अलाउड है, ओके। बाकी आप बहुत सारी लड़कियाँ कह रही हैं हम लोअर टी शर्ट में मार्केट जा सकते हैं या नहीं? नहीं, आप लोअर टी शर्ट पहन के मार्केट। और एक दो सवाल इस तरीके से हैं कि क्या हम मार्केट में लोअर टी शर्ट पहन के जा सकती हैं? नहीं, आप लोअर टी शर्ट पहन के मार्केट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको कुर्ती सलवार या कुर्ती और लोअर मतलब लोअर के नीचे कुर्ती, आपको मतलब पूरी लेग्स कवर करके ही जाना है, और शॉर्ट टॉप या टी शर्ट ये आप नहीं पहन सकती हैं, ओके। मार्केट जाएंगी या कैंटीन जाएंगी या कहीं भी जाएंगी आप, और या फिर नेट लैब जाएंगी, तो उसके लिए आपको कुर्ती पहननी पड़ेगी, कुर्ती सलवार आपको पहननी ही पहननी है। आप लोअर टी शर्ट या नाइट सूट या फिर उन सब कपड़ों में आप मार्केट नहीं जा सकते हो, या जीन्स में या कुर्ती लेगिंग में, नो। आपको कुर्ती सलवार पहननी होगी या फिर अपना कोई सूट पहनना होगा या लोअर के ऊपर आपको कुर्ती डालनी होगी। बट एक चीज़ है, मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताती हूँ
देखिए कुछ लड़कियां हैं जो रेडीमेड मतलब बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियां खरीद के वो पहन सकती हैं, बट कॉटन की। देखिए मेरे पास वहां पे मेरे कपड़े, मैं आपको बता दूं कैसे थे, आपके लिए हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कुर्ती कॉटन की है, छोटी है और फ्रॉक कुर्ती है, उसको आप सलवार पे कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगती हैं। और राजस्थान का कल्चर भी कुछ इस तरीके से है, तो मैच कर जाता है। तो आप इस तरीके से कपड़े मैच करके पहन सकती हैं अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े हैं। जैसे कोई कोई टॉप हमारा बहुत सुंदर होता है कॉटन का, एंड यहाँ तक उसकी स्लीव्स होती हैं, या कह लीजिए फ्रॉक होता है, या लॉन्ग होता है, लॉन्ग फ्रॉक कॉटन का, उसको आप सलवार पे पहन सकती हैं। मतलब इस तरीके से पहन सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए मना नहीं, इस तरीके से आप मार्केट जा सकते हो। अगर लॉन्ग टॉप है आपका और सलवार है, कॉटन का ही है सब कुछ, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर टॉप आते हैं जो लॉन्ग भी होते हैं, कुछ फ्रॉक में भी होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी डिज़ाइन में भी होते हैं, मतलब बट कॉटन के होते हैं। आप मेरे लास्ट अभी मैंने एक कुर्ती पहनी थी ब्लू कलर की, यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पे बांधने वाला था वो, तो उस तरीके का कुर्ती आप पहन सकते हो कॉटन की। क्योंकि मेरे पास, मैं सूट तो कभी पहनती नहीं थी ना, मैं पहनती हूँ, तो मेरे पास जितनी भी कुर्ती थी वनस्थली में जाने के लिए मैंने ली थी, खरीदी थी, बट जितने मेरे कॉटन के टॉप थे ना, मैंने सब पहने वहाँ पर सलवार पे, और मैं अच्छी भी लगती थी, थोड़ा सा नया लुक हो जाता है। आप ज़रूर पहनिएगा, अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं तो लेकर जाइएगा, क्योंकि उनको आप मार्केट जाने में या शाम की इवनिंग की क्लास जाने में, क्योंकि मैंने पहने हैं, वो मैम मना नहीं करती थी, नीचे मैं सलवार पहनती थी कॉटन की, ऊपर मेरा जो टॉप होता था कॉटन का टॉप बहुत वैसे लेती थी मैं, मतलब उनकी बाजू यहाँ तक होती है, और यहाँ पर कढ़ाई होती है कॉटन वाली, या फिर कॉटन का टॉप होता है। ओके, उसके बाद में उनकी लेंथ थोड़ा सा आप लॉन्ग हो सकती है, मतलब मेरे पास बहुत ऐसी शॉर्ट शॉर्ट कुर्तियाँ हैं, जो मिनी शॉर्ट कुर्तियाँ नहीं होती, वो आप सलवार पे कैरी कर सकते हो आराम से, बट कॉटन की हों, ज़्यादा छोटी ना हो, कॉटन की हो। अगर आपके पास इस तरीके भी कपड़े हैं तो आप लेकर के ज़रूर जाइएगा, अगर वो आपको अलाउड करती हैं। आप एक बार वार्डन के सामने पहन के निकलेंगी, अगर वो अलाउ कर देख लेंगी और उन्होंने आपको रोका नहीं, तो इट मीन्स कि आप पहन सकती हैं। अगर उन्होंने आपको रोक लिया तो आप फिर नहीं पहन पाएंगी। ओके, ये थी बात। कुछ और बात थी कि आप जब हम क्लास जाएं, क्या हम क्लास खाली खादी पहन के जाना है? नहीं, कॉटन भी पहन सकती हैं आप, कॉटन की ड्रेस, खादी की भी ड्रेस, कॉटन की कुर्ती सलवार। ओके, और ज़्यादा चमचम आप नहीं पहन सकती, कुछ भी चमचम नहीं पहन सकती हैं, क्लास करने में मैम आपको टोक देंगी। एक बात और ये सवाल आ रहा है, अभी मेरे माइंड से थोड़ा सा स्किप हो गया, इतने सारे सवाल थे, मैंने सोचा एक ही सारी वीडियो में सारे सवालों के जवाब दे दूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करना और भूल जाना भी बहुत वो है। तो एक और सवाल था, यस, कि जो स्कूल वाली गर्ल्स है ना, उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि जो हमें अगर उसमें स्कूल मतलब हॉस्टल में फ़ोन जो है, क्या वो हर रूम में है? जो लैंडलाइन फ़ोन है, क्या वो हर एक रूम में है? नहीं, 10-12 फ़ोन है लैंडलाइन फ़ोन, जो आपको स्कूल के हॉस्टल में मिलेंगे, एक जगह पर रखे होंगे बहुत सारे फ़ोन, आपको जहाँ फ़ोन करना हो वहीं से कर सकती हैं जा करके, 24 घंटे अवेलेबल हैं। ओके, तो आपको रूम में नहीं मिलेगा, रूम में बहुत रूम होते हैं, तो हर रूम में वो फ़ोन अलाउड नहीं है। और 12th तक लड़कियों को फ़ोन अलाउड नहीं है वनस्थली में, 12th के बाद ही अलाउड है। स्कूल वाली गर्ल्स को शूज़ भी पहनने हैं ड्रेस के साथ में, ओके, एंड उनका दुपट्टा भी है, सलवार सूट शूज़ और दुपट्टा। ओके, ये थी कुछ बातें, और वहाँ की मैं एक दो बात और बताऊँ आपको। यस, स्कूल की गर्ल्स के ही कुछ कुछ सवाल थे कि जो अगर हमको कभी गूगल पे काम है तो हम क्या करेंगे? आपके लिए अगर आपको गूगल पर काम है, तो आपके स्कूल में नेट लैब होगी, जहाँ पर आपके लिए कुछ पेज फिक्स होंगे, 25 पेजेस पर मंथ। अगर आपको कुछ भी निकलवाना है गूगल से, या कुछ भी लेना है प्रिंट आउट आपको, तो आप मैम को बोलेंगी, वो निकलवा के आपको देंगी। एक सवाल ये था एक लड़की का कि क्या हम जो स्कूल की गर्ल्स हैं, मतलब स्कूल की जो लड़कियां हैं, क्या वो पूरी वनस्थली में कहीं भी जा सकती हैं, बड़े हॉस्टल्स के आसपास या कैंटीन या मार्केट? जी हाँ, वनस्थली में रह करके आप कहीं भी पूरी वनस्थली में जा सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बस कुछ चीज़ जगह की मनाही है, मतलब जैसे आप टीचर्स की कॉलोनी में नहीं जा सकते, वहाँ अलाउड ही नहीं है जाना,
क्योंकि स्कूल के और कॉलेज के बाद में कोई भी लड़की टीचर्स किसी का भी कोई संपर्क करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से ही ये आपके सारे सवाल थे, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। कुछ भी और भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कंप्लीट कर दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले और बहुत सारी लड़कियों को मतलब पता चल जाए क्या है, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं था। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।